जिस प्रकार से इस रूरल एरिया में एक कॉलेज आया जो पूर्व विधायक कैप्टन अभिमन्यु ने बनवाया था, तो उसने लेकर मतलब कितना फायदा गांव की लड़कियों ने हुआ है। जब पूरा का पूरा स्टाफ आप देखोगे यार बैठा है, और उस लड़की तो आपने को मिलवा दे हैं जो यूनिवर्सिटी की सेकंड टॉपर है। राम राम गुड़िया। राम राम जी। तो पूरी यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर? यस यस मैम। तो किस चीज में टॉप किया है? एमएससी ज्योग्राफी में। एमएससी? यस। तो कहाँ से हो आप? किन्नर से। किन्नर से? यस मैम। इतनी मेहनत क्यों कर लो हो? वैसे मैम दिन रात पढ़ो हो? नहीं जी, दिन रात तो नहीं पढ़ते, बस थोड़ा टाइम जो भी पढ़ते हैं ना ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ। नाम क्या है? कविता। कविता। तो कविता मतलब है ना बहुत सारे बच्चे हैं ना आपकी उम्र में जाके मतलब पढ़ाई थोड़ी ऊब गया है, तो उन तो बता दो क्यों पढ़ना पड़ा है। मैम रेगुलर पढ़ते हैं, जैसे क्लासेस में भी अच्छे से ध्यान कर देते हैं, और रेगुलर कॉलेज में आते हैं और क्लासेस भी अटेंड करते हैं, और घर पर भी जो क्लास में पढ़ाते हैं वो घर पर पढ़ते हैं, उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। और मतलब स्टाफ की अगर बात करें तो बहुत मतलब सहयोग मिलता है, टीचर्स का भी नोट्स भी दे देते हैं सर, बुक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको दिक्कत होती हो, कोई सुविधा? नहीं मैम, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सारी सुविधाएं कॉलेज में? यस मैम, सारी सुविधाएं। देखो कविता, अगर बात करें इस कॉलेज की, अगर ये कॉलेज है तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को फायदा हो रहा है कि आसपास की लड़कियाँ होती है, तो यहाँ पे कॉलेज नहीं होता तो फिर कहाँ पे जाना पड़ता आपको पढ़ने? हिसार या जींद मैम। तो बहुत दूर हो जाता? यस मैम, बहुत प्रॉब्लम आती है दूर जाते हैं तब लड़कियों को तो खासकर। बिल्कुल। यस मैम। तो भाई स्टाफ से भी बात कर लेते हैं कि पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात कर ले हैं, पूरा परिचय भी ले ले हैं। राम राम सर। आपका परिचय सर? अनिल, भूगोल विभाग से। भूगोल विभाग से। ओके सर, तो सर कुछ कहना चाहोगे? गुड़िया की मेहनत है जी, उसी का एक वो है, हमने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया था, उस मार्गदर्शन पे ये अच्छे चले और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। देखो सर, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। हाँ जी, ये तो है, मगर फिर भी मेहनत तो इन्हीं की है। बिल्कुल। राम राम सर। नमस्कार जी मैम। सर आपसे तो मिले थे लेकिन दोबारा परिचय दे दीजिए। सुभाष है मेरा नाम जी। अच्छा। इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, और इनका हार्ड वर्क है, सब मेहनत है इनकी, है तभी ये फर्स्ट आए हैं, टॉपर आए हैं, सेकेंड टॉपर आए हैं यूनिवर्सिटी में। राम राम सर। नमस्कार जी, मेरा नाम मुथुरा सिंह है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से जी। और जहाँ तक मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँ या कॉलेज की बात करूँ, तो अपने आसपास के जितने भी कॉलेज है, चाहे वो बरवाला है, डाटा है, उवालन है, नारनौंद है, आंसी भी कितना पुराना कॉलेज है, उनमें किसी भी कॉलेज में ये सब्जेक्ट नहीं है। हमारा एकमात्र इस एरिया में ऐसा कॉलेज है जिसमें सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित किया गया है, और बच्चे इस सब्जेक्ट को बड़े चाव से ले रहे हैं। राम राम सर। हाँ राम राम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से प्रोफेसर धर्म सिंह, और ये जो बच्ची है इसके लिए, इसके पास संस्कृत और ज्योग्राफी सब्जेक्ट थे पीछे बीए में, तो संस्कृत में भी इस बच्ची ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं 2 सेमेस्टर में, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात, इस बार इसने जो एमएससी ज्योग्राफी में जो सेकंड टॉपर रही है, तो हमारा जो लगभग पूरा स्टाफ ही कॉलेज का बड़ा मेहनती है, लेकिन ज्योग्राफी डिपार्टमेंट उनसे थोड़ा और आगे है, तो पहली बार हमें एमएससी लेके आए, पहली बार ही हमने यूनिवर्सिटी में पहला दूसरा स्थान ग्रहण किया, तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बड़ा मेहनती है, ये बच्ची भी मेहनती है। इस बच्ची ने पिछले 3 साल से लगातार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जो 8,000 रुपये पर हेड जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वो भी ये पिछले 3 साल से ले रही है, तो इस बच्ची की इस मेहनत के लिए इस बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और पूरे महाविद्यालय परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं। देखो सर, अगर बात करें तो पूरा स्टाफ अच्छा है, हाँ स्कूल हाँ में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ 2 चीजें सामने आई है, हाँ एक तो बस की दिक्कत आ रही है लड़कियों को, हमने बहुत बार रोडवेज विभाग को लिखा है जी इस मामले में, इस विषय पर हमने बहुत बार रोडवेज डिपार्टमेंट, नहीं हुई जी, 1-2 दिन आते हैं उसके बाद फिर वो बंद हो जाती है। हाँ जी। राम राम सर। नमस्कार मैडम, मैं रामनिवास, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज खेड़ी चौपटा हिसार। मैडम ये कहना चाहता हूँ, महाविद्यालय का पूरा स्टाफ पढ़ाई को लेकर, अनुशासन को लेकर बिल्कुल सीरियस है, और दूसरा मैंने पहले भी बताया है कि 2 लड़कियाँ हैं, एक बुढ़ायन गांव से है सुरभि, उन्होंने GJU SNT हिसार से कि जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है फर्स्ट पोजीशन ली है, और नज़दीकी कपड़ा गांव की है एक लड़की सुनीता, उन्होंने सेकेंड पोजिशन ली है। तो ये जो सरकार का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको बिल्कुल सार्थक किया है। देखो भाई, बेटा पढ़ेगा तो एक घर ना वो करेगा, अगर बेटी पढ़ेगी तो 2 घर आपा सर जाएगा। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है? मैं डॉक्टर कृष्ण बेनीवाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके साथ साथ मैं कल्चरल कमेटी का कन्वीनर भी हूँ, और हमारी एक लड़की पिछले साल
जो ये इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल हुआ हिसार में, मंजीत बीए सेकंड ईयर में थी, वो फाइनल ईयर में होगी, उसकी फर्स्ट पोजीशन आई हरियाणवी कविता में। उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ स्कूल कॉलेज में बच्चों को कल्चरल स्पोर्ट्स इस चीज़ के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है ताकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, पढ़ाई के साथ साथ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी भाग ले। और कॉलेज का पूरा स्टाफ बड़ा ही कोऑपरेटिव एक टीम वर्क के रूप में कार्य करता है, और रूरल एरिया में होने के कारण पिछले 4-5 साल के बाद भी कॉलेज लगभग पूरी हिसार डिस्ट्रिक्ट में अपनी पढ़ाई एक्टिविटी के कारण बड़ा पॉपुलर हुआ है। तो मैं पूरे स्टाफ का, आपका भी धन्यवाद, आप आए और पूरे स्टाफ ने इतनी मेहनत की, एक टीम वर्क कर रहे हैं, उसके लिए सभी का धन्यवाद। राम राम सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? आई एम डॉक्टर संदीप कुंडू, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा मैथ डिपार्टमेंट है ना कॉलेज का, अब की बार 3 बच्चों का GGU में और KUK में टॉप 10 में एडमिशन हुआ हमारे बच्चों का, जबकि मेरे पास सिर्फ BA फाइनल के अंदर लगभग 20 के आसपास बच्चे थे, उनमें से 3 बच्चे हमारे टॉप 10 में हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम में भी, GGU के इंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने कॉलेज के लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गुड़ियाँ जैसे ये अपनी सेकेंड आई है, ठीक है, तो इसमें हमारे स्टाफ का भी और इस गुड़िया का विशेष योगदान है। और एक बात है, जो 3 Idiots मूवी देखी होगी सबने, उसमें एक बात थी, काबिल बनो, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। तो अगर हम काबिल बनेंगे ना, अगर कोई चीज़ हम बिल्कुल डीप में जाएंगे तो कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। कोई बच्चा अगर ढंग से सब्जेक्ट करेगा तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो सारे पास कर जाएगा। ठीक है सर, आप मैथ पढ़ाते हो बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों को होना डर लगता है मैथ से, ऐसा क्यों होता है? मैथ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस वो हमें फोबिया दूर करना बच्चों का। अब मैथ के अंदर क्या, आजकल हमने MDC है, जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। तो एक कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथमेटिक्स का, जो पहले मैथ होता था कि हम कैलकुलेशंस को, जोड़ को, घटा को, गुणा को, भाग को कम से कम कम समय में कैसे हल कर सके, तो इन चीज़ों को हम फोकस कराएंगे कॉलेज के अंदर। एक हमने अब की बार एक सब्जेक्ट भी चूज किया है कि दैनिक जीवन में मैथ का क्या योगदान है, हम अपने कॉलेज में स्टार्ट करेंगे। और बच्चों को जो कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ आता है, कैसे हम शॉर्टकट में उस मैथ को करें, और बच्चों का मैथ के प्रति कैसे, मतलब उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। राम राम सर। राम राम। हेमंत अहलावत, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है मेरा, और जब से कॉलेज खुला है मैं और संदीप सर तब से यहीं हैं। और इस कॉलेज का सौभाग्य भी कहें और अचीवमेंट भी कहें कि हम पहले साल से ही GJ यूनिवर्सिटी के अंदर हम फर्स्ट सेकंड रैंक हमारी आ रही है। जैसे सर ने बताया, कॉमर्स डिपार्टमेंट के पहली दोनों रैंक हमारे कॉलेज की आई थी, जब पहला साल ही हो गया था इसको खुले हुए, जबकि हिसार गवर्नमेंट कॉलेज, DN कॉलेज, जाट कॉलेज, ये सारे हैरान रह गए कि कैसे ये एक नया सा कॉलेज खुला यहाँ रैंक आ गया। तो बच्चे अच्छे हैं यहाँ, स्टाफ का भी कोऑपरेशन ठीक मिला, तो पहले साल से हम जो है रैंक लेके आ रहे हैं। ये शील्ड मैं ही लेके आया था, हालांकि कन्वीनर सर थे, तो भारती मैडम जो कमिश्नर हैं वो बड़ी हैरान रह गई कि इतने कॉलेजेस में से आपके कॉलेज भी कोई ये शील्ड मिल रही है, क्योंकि DN कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था इन तैयारीज के ऊपर, जो तैयारी करवा रहे थे इसकी कल्चरल की। बट वो लड़की टैलेंटेड है, वो अपने मैथ संस्कृत के साथ उसकी भी रैंक थी सेकेंड रैंक, अब तो मुझे नहीं पता है उसकी, फाइनल ईयर में है। स्पोर्ट्स में भी जीविका मलिक एक गुड़िया थी, अभी पास आउट हो गई है 2 साल से, तो वो रेसलिंग में भी मेडल लेके आई। इस बार भी वेट लिफ्टिंग में एक लड़का है इंटरनेशनल लेवल पे, वो मेडल लेके आया है, हो सकता है इस बार वो इंटर यूनिवर्सिटी में भी लेके आए। तो इस कॉलेज के खुलने का सभी बच्चों को, खासकर लड़कियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। वो लड़कियाँ अभी मास्टर्स उन्होंने की है नारनंद कॉलेज से, MCOM कर गई हैं गुड़िया, अब ये MSc ज्योग्राफी आई है तो ये मास्टर्स कर रहे हैं। मैथ में जैसे सर ने बताया कि रैंक्स के साथ उन्होंने रिटर्न क्लियर किया है। MA इकोनॉमिक्स में भी जींद यूनिवर्सिटी में 3 से 4 बच्चे कर रहे हैं। सोशोलॉजी में जैसे बताया कि, तो ये जो हायर एजुकेशन की तरफ बच्चे गए हैं वो सिर्फ इसी वजह से कि ये कॉलेज यहाँ खुल पाया। और अब बिल्डिंग भी हमें हैंड ओवर होगी, क्योंकि पहले 2 साल तो हम स्कूल के अंदर चला रहे थे। बिल्डिंग भी है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड भी, और सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, तो आगे और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, इतना ही कहना चाहूँगा। राम राम सर। मैं मुनीश कुमार हूँ, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। और इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो आसपास के जितने भी रूरल एरिया हैं उनमें ये सबसे बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि अगर यहाँ से आप डिस्टेंस देखोगे तो इन एरिया में या तो बरवाला है या फिर जींद है। और यहाँ PG आने से जो विशेषकर जो लड़कियाँ हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो घर से दूर, या तो उनकी फैमिली उनको जाने नहीं देती या फिर वो खुद नहीं जाना चाहती, तो इसीलिए क्या है, इस कॉलेज का सौभाग्य है कि यहाँ पर PG भी है और UG के बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं
जिनका इस आसपास के जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सर सबसे ज़्यादा लड़कियों को ही फायदा होगा? हाँ, मोस्टली ज़्यादा लड़कियों को फायदा है, क्योंकि लड़के तो आप देख सकते हैं बाहर दूर भी घर वाले भी भेज सकते हैं, और लड़कियों को आपको पता ही हमारी जो सोसाइटी आज भी उसी लेवल पर जी रही है, लड़कियों को घर से दूर नहीं भेजा जाता। राम राम मैम। हाँ जी बिल्कुल, पहले मतलब एक चीज़ आपने बताई थी कि बस की है, तो वो भी हम चाहेंगे कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे, अधिकारियों तक, और वो भी ठीक हो जाए। तो क्या कहना चाहोगे आप? यही कि ग्रामीण परिवेश होते हुए महाविद्यालय का पर्यावरण इतना अच्छा है कि बच्चों के प्रति माँ बाप का विश्वास बढ़ा है जी, और वो अब पीजी करने के लिए बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। हर सब्जेक्ट में एक दो बच्चा जो है ना, कोई हिसार है, कोई ही नारनौंद है, या कोई जींद है, तो काफ़ी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ शैक्षणिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक जो प्रक्रिया गतिविधियाँ होती हैं उनके तहत भी बच्चे जो है ना ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूँ, थैंक यू। राम राम मैम। राम राम जी। तो मैम आप क्या कहना चाहते हो कॉलेज को लेकर, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है कि प्रोफेसर चाहते हैं कि हमारी बदली कर दी जाए, हम कॉलेज से परेशान हो गए, वहाँ के बच्चे ऐसे होते हैं, तो इस मामले में क्या कहना चाहते? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बदली हो। थोड़े से डिस्टेंस पर मेरा इन लॉज है, तो बड़ा हमें तो सही है, तो नहीं हम तो अच्छे खुश हैं, यहाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ के। बताया हम, जैसे सर ने बताया कॉमर्स के बच्चे यहाँ टॉपर रहे हैं, मैं कॉमर्स में ही हूँ, तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने में मज़ा आता है, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ जी, कि टॉपर भी है और अच्छी भी है। राम राम सर। मेरा नाम अनूप सिंह है और मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गुड़िया को सेकंड पोजीशन लेकर आने पर विभागाध्यक्ष होने के नाते इसको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी अपने प्रयत्न को जारी रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी उपलब्धि हमें ज़्यादा एरोगेंट ना कर दे, तो वो भी सचेत होना है हमें, और ज़्यादा मेहनत करके अभी सेकंड है तो फर्स्ट पे आएँ और ज़्यादा अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान दें। बतौर ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट के रूप में देखें तो आज जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, जितना भी हमारा मैप मेकिंग और डिजिटल इंडिया जो बात कर रहे हैं उसमें GIS एक सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा स्किल के ऊपर काम चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि अगली बार यहाँ पर उसके लिए लैब भी इस्टेब्लिश हो खास तौर पे, ताकि रूरल एरिया में आने वाले जो बच्चे हैं उनमें स्किल भी पढ़ाई के साथ साथ डिग्री के साथ साथ हो, और बाकी कॉलेज की उपलब्धियाँ लगभग स्टाफ के मुख से आप लोगों ने सुनी ही ली कि हमारा जो कॉलेज है वो कंटिन्यूस प्रोग्रेस पे है, यानी कि 2018 में ही शुरू होने के बाद छोटी छोटी उपलब्धियाँ हम कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, हर बार एक नई उपलब्धि अचीव हो रही है, और मुझे उम्मीद है हम जारी रखेंगे इस उपलब्धि को और इस कॉलेज को और पैरेलल यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कॉलेज हैं उनके प्रतिस्पर्धा में लेकर आएंगे, ताकि रूरल एरिया के बच्चों को जो लाभान्वित करने का सपना यहाँ के तत्कालीन जो मिनिस्टर्स और सरकार ने देखा था वो पूरा हो सके, और हम पूरा स्टाफ एकजुट होकर इसके लिए प्रयत्नरत हैं और हम कंटिन्यूस प्रयत्न करते रहेंगे ताकि इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करने का जो सपना है वो साकार हो सके। अभी प्रिंसिपल सर कौन है? श्री अनिल कुमार जी हैं, बरवाला से हैं, आज डाटा कॉलेज का भी पराभार उनके पास है, तो आज वो वहाँ गए हैं, क्योंकि दो दो कॉलेज हैं तो एक में ही प्रेजेंट हैं, दोनों कॉलेज को वही संभाल रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ आ भी जाएं, आज डाटा कॉलेज में उपलब्ध। तो भाई पूरा का पूरा कॉलेज आपने विजिट भी कराया, सारी चीज़ें सारे प्रोफेसर से बात भी करी है, और बहुत सारी लड़कियां खातर तो एक सुनहरा मौका है, क्योंकि या तो प्लस टू के बाद उनकी शादी कर दी जा है या फिर घर पर बैठा दिया जा है। लेकिन कॉलेज खुलने के बाद अगर बात करें, 2018 से कॉलेज की शुरुआत हुई और उसके बाद 2 साल तक आर ओ स्कूल में इसकी क्लास लगी, और 2021 में इस बिल्डिंग की का उद्घाटन हो गया, और उसके बाद यहाँ क्लास लगनी शुरू होगी। तो बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, आपने देखा भी होगा सारे का है। उन फिर का जो लड़कियाँ यहाँ से पास आउट होकर चली गई है, तो वो भी ज़रूर बताए कि आपका इस कॉलेज के बारे में क्या कहना है, कि जिस प्रकार से इस रूरल एरिया में एक कॉलेज आया जो पूर्व विधायक कैप्टन अभिमन्यु ने बनवाया था, तो उसने लेकर मतलब कितना फ़ायदा गाँव की लड़कियों ने हुआ है, ज़्यादातर लड़कियों ने, क्योंकि पहले सिर्फ लड़कियों का कॉलेज था, उसके बाद को एजुकेशन आड़ शुरू कर दी गई, तो लड़कों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो गया। तो एक यहाँ पर बस जो असुविधा सामने आई है वो है एक बस की,
कि वो बस प्रोवाइड करवाई जाए, बच्चों को पैदल आना पड़ा है। तो भाई आपका क्या कहना है कि जिस प्रकार से देहात में इतना बड़ा कॉलेज बना दिया गया है, गवर्नमेंट कॉलेज, तो लड़कियों के लिए सुनहरा मौका आया और माँ बाप ने भी इस चीज़ की मतलब फ़ायदा हो गया कि दूर भेजने के लिए माँ बाप शायद राजी ना होते, क्योंकि आज के ज़माने की अगर बात करें तो माँ बाप भी क्या करें, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना सुनने मिला है कि माँ बाप भी अपनी छाती के तले तक बालक ने दूर भेजना नहीं चाहते, ज़्यादातर लड़कियों के मामले में। तो लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला और यहाँ पर आने का मौका मिला, और साथ में ऐसी लड़कियां जो टॉप कर रही है यूनिवर्सिटियां में, तो उनके बारे में भी आपका क्या कहना है? शायद ये लड़की यहाँ पे कॉलेज ना होता तो शायद पता नहीं सारिया जींद माँ बाप भेज पाते या नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ पे कॉलेज आया तो लड़की आई और लड़कियां ने टॉप भी कराया है, और टॉप करने के साथ साथ जो बाकी इवेंट है, बाकी एक्टिविटी है, तो उनमें भी पूरा लड़कियां का सहयोग रहा है। और आपने तो बेरा है, हमारी छोरी तो छोरा तकम है ही कोना, तो वे लगातार पढ़ने लाग रही है, छोरे ने भी पीछे छोड़ने लाग रही सारी चीज़ों में। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि लगातार नहीं हुआ, लड़की आगे बढ़ती रहे और अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करती रहे। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए और तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि ऐसी बेटियाँ ने देख कर और लड़कियाँ भी आगे पढ़ने का सपना जारी रखा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।